जी आज का सीक्वेंस तो मकर संक्रांति से का दिन है आज। मुझे आज सुबह सुबह ही मतलब एकदम से मैं भूल गया था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे घर में तिल की खुशबू आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे आज तो मकर संक्रांति है। तो आज इसलिए मैंने एक नया आउटफिट अपने लिए, नया तो नहीं मतलब एक स्पेशल आउटफिट निकाला अपने लिए, जो कि एक कुर्ता और पठानी है जो हम आज के दिन पहनते हैं। और हमारे घर में एक रिवाज है कि हम सब येलो कलर ही पहनेंगे मकर संक्रांति के दिन, तो आप देखेंगे तो सब लोग येलो ड्रेसडअप होंगे आज। तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन एक कुछ ऐसा हुआ था पहले कि मुझे चोट लग गई थी हाथ में, तो वो चोट ठीक करने के चक्कर में मैं पट्टी बांध रहा था और मुझसे पट्टी अकेली बांधी नहीं जा रही थी। तो एकदम से एक हाथ आता है मेरी हेल्प करने के लिए, मैं देखता हूँ तो मेरा डैड है जो मुझसे काफ़ी दिनों से खफा है, मुझसे खुश नहीं है, राधा आइए घर पे, और मैं उनसे थोड़ा दूर हो गया तो हमारी अनबन हो गई है बातों में। तो वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं, जो आज पता लगा उन्होंने देखा मुझसे कि मुझे पट्टी बांधी नहीं जा रही है, तो उन्होंने पट्टी बांधी। एंड वो एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए भी और डैड के लिए भी, कि कितने टाइम बाद आज मॉम भी गई भी मेरी आगरा, तो उनके ना होते हुए भी वो आए मेरे पास, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे बात की और मेरे लिए सोचते हैं वो। आज मुझे रियलाइज़ हुआ है, मतलब मुझे पता है मुझसे प्यार करते हैं, बट आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे पास पर्सनली आए। तो बस वही एक सीक्वेंस था जो हम कर रहे थे, वो मेरी पट्टी बांध के गए हैं और मुझे रूठे हुए तो हैं दिख रहे हैं उनकी बातों से, लेकिन प्यार से वो बोल के गए कि अगर दोबारा पट्टी बांधनी हो तो मुझे याद करना। सो और आज मकर संक्रांति है, डैड मुझे हर साल 101 रुपए देते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो आज भी मैंने मांग लिया, ढीठ तो हुई मैं, चाहे वो कितना ही बुरा माने, तो मैंने मांगा। लेकिन आज 1001 मांगा, डैड ने भी कहा कि 100 रुपए थे, तो मैंने कहा यार महंगाई भी बढ़ गई है, तो पापा ने दिया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं, और वो आई एम श्योर वो करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन उनका प्यार मुझे आज दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक ऐसा स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा नहीं कुछ नहीं, डैड को मैं कोशिश करते रहता हूँ उनको मनाने के लिए, बट प्रॉब्लम यही है कि वो थोड़ा से ज़्यादा रूठे हुए हैं मुझसे, थोड़े ज़्यादा खफा हैं। बट मैं मॉम को भी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मॉम है जो हमारे बीच में वो एक पिलर जैसी बनती हैं, वो सपोर्ट करती हैं दोनों को, लेकिन मॉम आगरा गई हुई हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप टाइप सा हो रहा है। बट आज मुझे उम्मीद मिली है कि डैड मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे इतने भी खफा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि कुछ तो है, देखते हैं साथ में पतंग ही उड़ालें, कुछ तो करेंगे। रिसेंट टर्न्स तो अभी आइडिया कुछ मुझे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट राधा जो है वो मेरी तरफ थोड़ी सी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, मुझे पता नहीं, हो सकता है मेरी उम्मीदें ज़्यादा हो गई हैं, बट वो मुझसे एटलीस्ट स्माइल करके बात कर ली थी अब, तो उसको इतना शायद पता लग गया कि मैं जेन्युइन हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना मुझे समझती है। तो एक वही जो हमारी छोटी मोटी दोस्ती काइंड ऑफ हुई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत भारी है, और मुझे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब ये दोस्ती आगे जाके प्यार में बढ़ेगी, मेरी तरफ से तो प्यार है ही। एंड बस वही एक उम्मीद है, बस उस उम्मीद में कुछ ना कुछ कोशिश करते रहूँगा मैं, हाँ तो मानूंगा नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग आर शो, एंड थैंक यू फॉर लविंग माई वर्क। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके जब मैसेजेस आते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही अपने मैसेजेस शावर करते रहेंगे, क्योंकि वो हमें आपके प्यार की तरह मिलते हैं, एंड इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग आप ही को एंटरटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, और होपफुली मैं अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं ऐसे एंटरटेन करते रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।